तो हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपका व्हाट्सएप नंबर बैन हो गया है, ठीक है, व्हाट्सएप ने आपका जो है नंबर वो बैन कर दिया, तो अब उसको अनबैन आप कैसे कर सकते हैं। जब आप उसमें लॉगिन करते थे, यानी कि उसमें ओपन करेंगे आप ऐप अपना व्हाट्सएप ओपन करेंगे, उसमें आप नंबर अपना फिल कर देंगे, फिर यहाँ पर आप उसको कन्फर्म कर देंगे, तो वहाँ पर आपको दिखाता है कि दिस नंबर इज बैंड कंटेंट, ऐसा कुछ यहाँ पर वो एप शो हो जाता है आपके व्हाट्सएप में। मतलब जो है आपका जो नंबर है वो व्हाट्सएप बैन कर देता है, ठीक है। तो अब उसमें एक ऑप्शन आता है कैंसिल और सपोर्ट, ठीक है। दो ऑप्शन आपको उसमें दिखाई देते हैं, कैंसिल और सपोर्ट, ठीक है। तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर को अनबैन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपका बैन तो हो गया, लेकिन अब आप अपना जो है नंबर अनबैन कैसे कर सकते हैं। तो अनबैन कराने के लिए आपको वहां पर ऑप्शन पहले ही आपको दे रखे होते हैं, कैंसिल, मैंने पहले ही बताया आपको, कैंसिल और सपोर्ट। तो आपको सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको अपने जो व्हाट्सएप है, जो आप किस कारण से आपका बैन हुआ है, आपकी जो है प्रॉब्लम, वो वहाँ पर आपको टाइप करके बतानी है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर टाइप कर देना है, ठीक है, कि मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर बैन हो गया है और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है अनबैन आप कर दीजिए, ठीक है। आपको ऑप्शनल में नीचे आपके फोन में दो दिखाई दे रहे होंगे, इस दो ऑप्शन प्लस के, और किसी किसी फोन में तीन भी आ जाते हैं। अगर आपके में तीन आ रहे हैं या दो आ रहे हैं या एक आ रहे हैं, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, वो ऑप्शनल होता है। अगर आप उसमें अपलोड करना चाहते हैं दो कमेंट या स्क्रीनशॉट अपने व्हाट्सएप का, तो वो आप अपने उसमें अपलोड कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करना चाहते तो रहने दीजिए, क्योंकि वो ऑप्शनल होता है, ठीक है। ऑप्शनल फिर उसको आप अपने डिस्क्रिप्शन में लिख के आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपको वहाँ पर बतानी है, और आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे कोई भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम चूज नहीं करनी, सबसे नीचे ब्लू कलर में आपको ग्रीन कलर में सबसे नीचे दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद मेल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो मेल के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप मेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो जो है हमारा जो फोन का बहुत सारा डेटा वहां पर आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आपको कट कर देना है। कट करने के बाद अगर आपको, ठीक है, कट करने के बाद आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो की, आई बटन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो वो वाली वीडियो आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। उसमें मैंने बताया कि आप मेल में आप क्या क्या आपको लिखना है, उस वीडियो में आपको पता लग जाएगा, तो वो वीडियो आप जरूर से चेकआउट कर लेना, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हुई। जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो की आगे वाली वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। उसमें मैंने आपको कंप्लीट बताया कि आप मेल में कैसे क्या लिखना है, फिर आपका जो है अनबैन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।